नमस्कार दोस्तों मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी कि घर से निकलने वाले कबाड़ से हम किस तरह से खूबसूरत हैंगिंग प्लांट बना सकते हैं और उनमें कौन कौन से प्लांट हम लगाएं कि वो प्लांट हमारे लॉन्ग टाइम तक चलें और इन प्लांट को लगाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन हमने अपनानी चाहिए गर्मी दोस्तों गर्मियों में जो है इस समय बहुत गर्मी के मौसम में जो होता है अक्सर घरों में कोल्ड ड्रिंक वगैरह अधिकांश आती हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो होती हैं बहुत बेकार पड़ी रहती हैं और इनको कई बार हम कबाड़ी को देते हैं कई बार हम जो है कूड़े गाड़ी में डालते हैं तो इनसे हम कितने सुंदर प्लांटर बना सकते हैं जो हमेशा अक्सर बेकार समझ के फेंकी जाने वाली चीज़ें जो होती हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कर सकते हैं तो आज का वीडियो मेरे इसी पर है कि कौन कौन से ऐसी कबाड़ की चीज़ें हैं जिनसे हम खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं हैंगिंग प्लांटर जहाँ पर लगे होते हैं उस जगह खूबसूरती तो बहुत अच्छी लगती है साथ ही जो है ये हमारी जगह जिन लोगों के पास कम होती उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि ज़मीन में रखने के लिए पॉट रखने के लिए जगह नहीं होती दीवारों का सहारा लिया जाता है दीवार पर जो है दीवार पर भी बहुत सुंदर जगह जिस जगह लगे होते हैं प्लांटर वो जगह भी सुंदर दिखाई देती है साथ ही हमारे वेस्ट मटेरियल का यूज़ भी होता है और ये चीज़ें जो है दोस्तों हम बाजार से लाने की अपेक्षा ऐसे पॉट जब हम खुद बनाते हैं ऐसे प्लांटर जब हम खुद बनाते हैं तो वो काफी यूनिक और सुंदर लगते हैं एक कबाड़ के इस्तेमाल से आप किस तरह से अपने गार्डन को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं ये जगह जो इतने प्लांटर को हम जमीन में रखते हैं तो कितनी जगह लगती है और उसके अलावा जो है दोस्तों हैंगिंग के अलावा इनको वर्टिकली लगाएं वर्टिकल मतलब एक के ऊपर एक रखकर लगाएं तो बहुत कम जगह पर जो है ज़्यादा प्लांटर हम अरेंज कर सकते हैं तो कम जगह पर अगर आप ज़्यादा प्लांटर अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्टिकल गार्डनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है तो उसी में जो है मैंने ये सारे अपने प्लांटर बना रखे हैं तो इनमें कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं ये भी सब बताऊंगी और देखिए दोस्तों जो पेप्सी की बोतलें होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं पेप्सी की बोले बड़ी बड़ी जो बोतलें आती हैं दो लीटर की तो उन पर जो है अच्छा सा आप पेंट करिए ऑयल पेंट करिए पहला कोट दूसरा कोट जो है हमारे जो घरों में कलर होते हैं बच्चों के एक्रेलिक वगैरह के तो उनसे भी पेंट करा जा सकता है और फिर जो है इनमें अच्छी तरह से ड्रेनेज होल बनाकर नीचे एक कपड़ा रख देती हूँ फिर उसके ऊपर गार्डन की पत्तियाँ वगैरह भर देती हूँ और उसके ऊपर प्लांटर लगाती हूँ प्लांट लगा देते हैं तो देखिए ये प्लांट जो है एक एक प्लांट की लाइफ जो है दो से तीन साल के करीब हो चुकी है तो देखिए इनका फॉलिज देख लीजिए आप भरपूर गर्मी का मौसम है और भरपूर गर्मी में ये आँखों को कितना सुकून दे रही है दीवार देखिए अपने आप में कितनी खूबसूरत है तो सबसे पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की बोतलों का बोतलों को जो है ये इस तरह के जो आप इस जैसे मैंने बना रखे हैं इस तरह के प्लांट बन सकते हैं साथ ही जो है सिंपल तरीके से एक बोतल को बीच में से कट करके ही बन सकते हैं पहले मैं बताती हूँ कि बोतलों में कौन से प्लांट लगाना अच्छा होता है इन बोतलों में आप ऐसे प्लांट लगाएं जिनकी बहुत ज़्यादा जड़ें गहरी नहीं जाती है क्योंकि ये बोतलें हमें तिरछी ले रखी हैं तो इनमें गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है तो इन जिनकी रूट्स बहुत नीचे तक नहीं जाती वैसे प्लांट अच्छे होते हैं तो इसके लिए सबसे पहला प्लांट मैं सजेस्ट करती हूँ एसवेरस फार्मिंग को ये प्लांट खुद ब डिवाइड होता रहता है पर जो है तीन साल दो साल के बाद जब भी आपको लगे कि आपका प्लांटर जो है पूरा भर गया है तो उस समय इसको निकालें बारिश के मौसम में और डिवाइड कर के नए प्लांट बनाकर फिर से इसको लगाया जा सकता है तो काफ़ी सुंदर लगता है तो मेरे पहले सबको मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से बना रखे हैं ये पहले भी दिखाए हैं कई मेरे नए फ्रेंड जुड़े हुए हैं उन्होंने ये देखे नहीं होंगे तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पूरे भरे हुए हैं एक यूनिक लुक लगता है तो ये पूरा एक ये बना है इस वाला और ये देखिए ये बिल्कुल पुदीना जैसे पत्ते दिखाई देते हैं कितना सुंदर है ये इसको कहते हैं क्रिपट चार्ली जब सर्दियाँ होती हैं सर्दियों में ये प्लांट इतना छंड दिखाए थे गर्मी आते आते इसका देखिए कितना सुंदर लुक आता है किसी जगह को आपको ग्रीनरी रखनी है तो उस जगह पर इस प्लांट को लगाइए ये ग्राउंड कवर के लिए भी लगाया जाता है ज़मीन पर अगर आप किसी क्यारी को हरा भरा बनना चाहते हैं तो वहाँ पर रख दीजिए इसकी एक जड़ तो बहुत जल्दी जो है ये अपने आप ही इसके जो नोट्स होते हैं वहाँ से पत्तियाँ वहाँ से रूट्स निकलती हैं और ये प्लांट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है कितना सुंदर प्लांट है आप देख रहे हैं ये देखिए ये है बेबी टीयर्स का प्लांट बेबी टीयर्स का प्लांट भी बहुत ज़्यादा वो अब नहीं मांगता है केयर ये भी आसानी से चलता है प्लास्टिक की बोतलों में प्लांट लगाने से पहले हमेशा ड्रेनेज होल का अच्छा सिस्टम रखिए ड्रेनेज के एक छेद नहीं इसमें जो है बहुत सारे जो है ड्रेनेज होल बनाने पड़ते हैं देखिए मैंने कितने सारे ड्रेनेज होल बना रखे हैं और उसके अलावा इसकी मिट्टी नच नीचे न गिरे क्योंकि दीवार पर प्लांट लगा रखे हैं हमने तो इन पर जो है एक कॉटन का कपड़ा रख दीजिए उसके ऊपर से अपना सॉइल मीडिया भरिए गया सॉयल हमेशा हल्का होना चाहिए बहुत हैवी नहीं होना चाहिए अच्छा जो है ड्रेनेज होना चाहिए यानी कि उसमें आप थोड़ी मात्रा में रेत मिलाएँ और जो है गार्डन के पुराने पत्ते वगैरह भरें तो वो पत्ते जो होते हैं धीरे धीरे, धीरे डिकम्पोज होकर इस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं तो देखिए ये लगे हुए हैं बेबी टीयर्स के प्लांट कितने सुंदर लग रहे हैं ये मैंने जो ये लगे हुए हैं तार लगा रखे हैं ये बिजली के पुराने तार से जोड़ रखे हैं क्योंकि ये मज़बूत होते हैं हवा वगैरह से भी कोई नुकसान नहीं होता है फिर देखिए बोतल का ही बेस्ट मटेरियल गुड यूज कर रखा है ये देखिए ये लगा है फॉक्सल फल इसमें कितने सुंदर फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और देखिए आप प्लांट की हेल्थ देखिए आप क्योंकि इसमें मैं बताती हूँ कि अच्छा सॉइल मीडिया और ऊपर से देखिए इसी पर जो है ये अपने आप ही निकल गई है टर्टल वाइन कितनी सुंदर हो रही है ये भी देख लीजिए आप बहुत प्यारी लग रही है ये देखिए इस तरीके से जो पुराने टायर होते हैं इनसे भी काफ़ी सुंदर हैंगिंग प्लांटर बन जाते हैं तो हैंगिंग प्लांटर बनाने के लिए देखिए इसमें जो है अच्छे से ड्रेनेज बनाए और एक ऊपर से जो है इसको मैंने इस तरह से बीच में एक छेद करके तार से ही टांग दिया है और जो है ये इसमें लगा रखा है एस्परस फर्न इसने भी इसको पूरा कवर कर लिया है तो देखिए रेड कलर के बीच में ग्रीन कलर कितना सुंदर लग रहा है ये देखिए और फिर देखिए मेरे पास जो है जो प्लांट एस्टेग्रेस फर्न है मुझे बहुत पसंद है गर्मियों में जो है ये लस ग्रीन तो होता ही है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस होता है इसलिए बहुत पसंद करती हूँ मैं अब देखिए मेरा ये प्लांट करीब तीन साल से भी ऊपर हो गया है तो अब ये पूरा भर चुका है ये पूरा ये इसको हमने बारिश के मौसम में निकाल देंगे इसमें से निकाल के फिर इसको डिवाइड करके फिर से लगा देंगे देखिए पूरी तीनों चारों तीनों जो है इसकी पूरी भर चुकी हैं ये देखिए और ये देखिए सिंगोनियम की छोटी वाली वैरायटी ये इस तरह से लगा रखी है ये भी बहुत सुंदर लगती है तो मैं जो है एक बोतल से दूसरी बोतल के बीच में मैंने अपना एक पूरा वीडियो बनाया था किस तरह से वर्टिकल प्लांटर बनाए कम जगह में ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं हम इस तरीके से ये दूसरा फिर आ गया है बेबी टीअर्स का ही ये भी इस तरह से लग रहा है ये देखिए जो कम गहराई वाले पॉट्स जो होते हैं उनमें लगाने के लिए ये देखिए कितना सुंदर स्पाइडर प्लांट है इसी कितने सारे पप्स निकले हुए हैं ये देखिए बहुत प्यारे लगते हैं ये तो ये सब मैंने कलर करके पुरानी बोतल से ही बनाए हैं और यहाँ देखिए ये दीवार पर टांगने के लिए और जगह कम हो तो बहुत सुंदर ये देखिए इस बोतल का लुक देखिए आप कितना प्यारा है ये ये है फरने की ही वैरायटी होती है ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है पूरा देखिए आप इसका लुक लुक देखिए आप पूरे भरे पड़े हैं क्योंकि तो जब घने घने होते हैं प्लांट तभी सुंदर लगते हैं और इस प्लांट को इस पॉट पर लगे हुए तीन साल के करीब हो गए हैं तो ये बिल्कुल टोटल बेस्ट और देखिए एक बार कितना अच्छे से पेंट पेंट करके आप बना दीजिए तो दो ढाई साल बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती बीच में साल भर में तो फिर से एक बार पेंट कर दीजिए पर ये मजबूती से लगे रहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं इस तरह की बोतलों को कट करके नहीं सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये भी स्पाइडर प्लांट सब जगह ग्रो जाते हैं ये प्लांट और इसका यूनिक लुक देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है ये पर्पल हार्ट ये मैंने आउल बनाया है बोतल के नीचे के पार्ट से बोतल के ऊपर के हिस्से को भी आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं फ्लावर बना लीजिए जो तो ग्रीन प्लांट उनके बीच में फ्लावर अलग ही लुक लगता है इनका अगर आप हैंग नहीं करना चाहते छोटी छोटी जगहों पर रखना चाहते हैं तो इस तरह के देखिए कोलियस लगे हुए हैं ये देखिए है, जेड प्लांट इसका मेरा नीचे गिरा था तब इसे तो रखना है अभी ये प्लांट रख नहीं पाई थी इधर आंधी चली थी हमारे यहाँ सेकुलेंट वगैरह लगाने के लिए भी अच्छा प्लांटर बन जाते हैं ये बोतल वाले प्लांटर ये देखिए ये है स्टिंग ऑफ बनाना और ये बोतल में लगी हुई सीडम ग्रास ये नीचे के पार्ट में लगी है बोतल के कितनी अच्छी तरह चल रही है इसमें और देखिए बॉल बॉल्बिन व्यू का लुक देखिए आप बोतल में ही है ये देखिए कितनी प्यारी बोतल में दिखती नहीं है तो बहुत ईजी ग्रो इम्प्लूमेंट होता है समर इसका बेस्ट ग्रोन टाइम होता है बोतलों को आप जो है इंडोर भी देखिए बहुत सुंदर प्लांटर बन जाते हैं इस तरीके से ये रन ग्रास लगी हुई है मेरे तो बहुत समय चल रही है तो एक बार साइड से दो इसमें नीचे ड्रेनेज होल और साइड से इसको टांग करने के लिए दो छिद बना के ये मैक्रन की डोरी है और साथ में मोती की माला पड़ी थी वो भी लगा दी मैंने इस पर तो इस तरह से ये बहुत अच्छे प्लांटर चल जाते हैं कोई खर्चा नहीं जीरो बजट में ये गार्डनिंग हम कर सकते हैं तो ये देखिए ये मैंने एक खिड़की बटांग रखे है और कितने सुंदर लग रहे हैं दूसरा घर हर घर से निकलने वाला बेस्ट आइटम दोस्तों ऑयल कैन होते हैं ऑयल कैन लगभग लगभग हर घर में ये मिल जाते हैं तो इनके प्लांटर इतने मजबूत होते हैं कि सालों तक इनका कुछ नहीं बिगड़ता है तो इनको भी हम बहुत अच्छी तरह अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए कितना प्यारा लगा हुआ है ये देखिए पूरा सिंगोनियम और बिल्कुल तो ग्रीन लुक है नहीं जैसे येलो है थोड़ा सा मैंने इसको पेंट इसको ऑरिजनल येलो कलर इसके कलर जो आते हैं रेड येलो डार्क कलर में ही आते हैं ऑयल कैन अक्सर तो उनको कई बार पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बस उसमें थोड़ी डिजाइनिंग कर दी है आप डिजाइनिंग करना चाहे तो करें नहीं तो सिंपल तरीके से भी लगाएं तब भी सुंदर लगते हैं तो ये देखिए सिंगोनिया मेरा कितना हेल्दी अच्छी ग्रोथ आई हुई है फिर मैंने हैंगिंग पर देखिए ये फाउंडन ग्रास लगा रखी है ये फाउंडन ग्रास भी इस पर अच्छी चल रही है ये फिर ऑयल कैन ही है बस इसको मेरा पुराना ऑयल कैन पड़ा था तो बेकार हो रहा था नीचे से छेद हो जाए ख़राब हो जाए कबाड़ी को बेचना पड़ता है क्योंकि खराबी होते हैं बहुत सारे निकलते ही रहते हैं तो इनका इतना अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं ये मेरा बहुत पुराना प्लांटर है इस पर देखिए बोट ले ली और जो है सिंगोनियम साथ लगे हुए हैं ये बड़े पत्ते वाले रिबन ग्रास है ये भी आपने कमी दिखती है ये यूनिक प्लांट है ये भी तो ये देखिए ये भी इस तरह के प्लांटर में लगा हुआ है बस ऑयल कैन है ये बिल्कुल इसके अलावा हमारे जो नर्सरी पॉट होते हैं दोस्तों जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं उसके बाद बसते हैं तो उनके भी हम बहुत अच्छे हैंगिंग प्लांटर बन सकते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं और वो प्लास्टिक के उनमें बहुत अच्छे ड्रेनेज होल बने होते हैं उनमें नीचे से कपड़ा रखकर और अच्छा सा मीडिया बना के सॉयल मिनार बना के आप अच्छे से हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं मेरे जो ये आप हैंगिंग प्लांटर देख रहे हैं ये भी मैंने खुद बनाए हैं ये कोई बाजार से खरीदी हुई हैंगिंग प्लांटर नहीं है ये पॉट भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि मात्र पच्चीस रुपये में किस तरह से हम एक खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं तो देखिए ये बीस रुपये के गमले आते हैं और इन पर जो है ये डोरी लगी है कॉटन की डोरी है। तो ये पाँच रुपये की डोरी होगी मुश्किल से प्लांट जो होते हैं दोस्तों हमारे पास घर में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं तो उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं इसमें तो ये जो है मैंने कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं तो ये शिफ्ट कर दिए हैं और जो लोग लंबे समय से गार्डनिंग करते हैं उनके पास तो स्पाइडर प्लांट ये प्लांट तो इतने होते हैं कि उनको फेंकने तक पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है तो ऐसे प्लांट को आप लगाइए लग गर्मियों में बहुत सुंदर लुक देते हैं एक यू आपके जो है पैसा भी बचता है बस थोड़ी सी आपने अपनी क्रिएटिविटी करनी पड़ती इस प्लांटर मेरा बीस रुपये का प्लांट और मैं प्लांटर है और मेरे पास ये बहुत समय तक तो बना रहेगा मैंने इस पर जो है लाइट पर लाइट पिंक कलर था तो वो कलर जो था बाद में थोड़ा ख़राब हो रहा था तो दिवाली के समय जो है जो अपने घरों में हम और पेंट करते हैं वही पेंट कर दिया तो देखिए आप कितने अच्छे लुक आए हैं जो हम नर्सरी से या बाज़ार से सौ सौ डेढ़ सौ में जो प्लांटर लाते हैं उनसे ये प्लांटर मुझे बेहतर लग रहा है तो इसने देखिए कितना अच्छा स्पेस दे रखा है और हल्का है क्योंकि मैंने इसमें मीडिया बहुत ज़्यादा हल्का इस्तेमाल कर रखा है प्लास्टिक के ही जो हैंगिंग वाले प्लांटर होते हैं वो प्लास्टिक वाले इस्तेमाल करना अच्छा होता है कि कभी गिर भी जाए तो किसी को बहुत ज़्यादा चोट वगैरह ना लगे तो इस तरीके से और दूसरा प्लास्टिक के जो प्लांटर होते हैं चाहे आप बेस्ट मटेरियल से बनाएं चाहे आप जो है बाज़ार से लाएं तो उनमें जो होता है मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और जो है तो हमारे प्लांट को अच्छा मॉइस्चर मिलता है इस गर्मी के मौसम में ये देखिए इस खूबसूरत फल जो लगा रखा है इसका भी हैंगिंग प्लांटर मैंने खुद बनाया ये मेरी मैक्रम की डो दो, डोरी है इस डोरी का पूरा मैं एक गोला ले आई थी तो उन्हीं से मैं ये प्लांटर बनाती रहती हूँ और जगह जगह लगाती रहती हूँ सुंदर दिखाई देते मैंने एक प्लांटर जो है येलो कलर का इस पर जो है छोटे छोटे डॉट्स रख दिए थे इस तरीके से तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने जो है कबाड़ की चीज़ों से किस तरह से आप खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं और कम जगह में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं इस बारे में बात करी और कौन कौन से प्लांट उन प्लांटर में लगाए जिससे वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास बने रहते हैं और वो प्लांट जो है उस बोतलों में उन जो कंटेनर है उनमें बहुत समय चलते रहते हैं वो दिखाए उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार